हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफाइन कॉप्रोफेजी, यानी कि क्या कहा गया है। यहाँ पे एक टर्म दिया है कॉप्रोफेजी, उसे डिफाइन करना है। ये देखिए, कॉप्रोफेजी ये जो वर्ड है ना, ये एनिमल्स के न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो देखिए, कॉप्रोफेजी की हम डेफिनेशन देखते हैं सीधा। जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उनके खाना खाने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। देर इज़ अ वेराइटी ऑफ फूड। तो यहाँ पे कॉप्रोफेजी का क्या मतलब होता है, फेजी माने टू ईट, और कॉप्रो का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका बेसिक मतलब होता है ईटिंग फीसेस और डंग। Eating feces और dung। सो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हु ईट देयर ओन फीसेस Their own feces are called coprophages, या हम कह लें कि they re-ingest, क्या करते हैं, they re-ingest their excreted feces, re-ingest their waste material, their excreted waste आर कॉल्ड कॉप्रोफेगस। और ये जो इनका बिहेवियर होता है, दिस बिहेवियर या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कॉप्रोफेजी। कॉल्ड कॉप्रोफेजी। और देखिए, जिन जो लोग खरगोश पालते हैं या जिन्होंने कभी खरगोश का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है, उन्हें जरूर ये पता होगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, रैबिट। रैबिट के अलावा ये सब किन में देखे जाते हैं, माउस में, रैट में, माउस में और रैट में, इन सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये कॉप्रोफेगस बिहेवियर देखा जाता है। ये पहले अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है या जो फीसेस हैं, इन्हें ये एक्सक्रीट आउट करते हैं और फिर कुछ समय बाद ये उन्हीं फीसेस को खा लेते हैं। सो ये जो इनका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, बिहेवियर होता है, उसे हम कहते हैं कॉप्रोफेगस बिहेवियर, या पूरे जो ये ईटिंग हैबिट है इसको हम कहते हैं कॉप्रोफेजी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।